जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है और हम सभी अपने घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं। इस समय हम एल्युमिनियम की कढ़ाइयों को छोड़ के लोहे और स्टील पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो लोहे की कढ़ाई हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हम उसमें कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं या कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो इस तरह से हमारी कढ़ाई जो है वो काली हो जाती है। तो मैं आज उसी से रिलेटेड एक टिप शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप लोहे की कढ़ाइयों को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारी लोहे की कढ़ाई जो है वो कितनी आसानी से साफ हो रही है। मैं अभी सिर्फ इसको गैस पे रख के और ये सोल्यूशन से इसको स्क्रब कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे किस तरह से इस कढ़ाई को साफ किया है। अगर आपकी भी कढ़ाई इसी तरह से गंदी हो गई है तो सबसे पहले इसको गैस पे गरम कर लीजिए। और गरम करने के बाद सबसे पहले जो इसमें ऑयल लगा है उसको साफ कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने लोहे की कढ़ाई को एकदम सफ़ेद कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले गरम होने दे रही हूँ। और जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं, कढ़ाई जो है वो अच्छे से गर्म हो गई है और उसमें से फ्यूम्स जो है वो निकलने लगे हैं। इस समय इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप ऐड कर देंगे। जो भी आप डिश जेल जो है यूज़ करते हैं वो ऐड कर दीजिए और इस तरह से स्क्रब लेके और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। वैसे जब आप गरम गरम इसको साफ़ करेंगे तो मैक्सिमम जो है इसका ग्रीस जो है, ऑयल जो है वो निकल जाता है। अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इस तरह से साफ़ करने से इसका मैक्सिमम ऑयल जो है वो निकल गया है। मैं आपको धो के और सब आपको दिखा रही हूँ। मैंने कढ़ाई को पानी से धो लिया है और आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो इसका ऑयल था वो निकल गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमें करना है उसके लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और कढ़ाई को फिर से अच्छे से गर्म करेंगे। एक बार गर्म हो जाए फिर मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद क्या करना है। पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है और अब इसमें एक चम्मच ये ऐड कर देंगे। ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले आप इसका इफ़ेक्ट देख लीजिए कितना इफेक्टिव रहता है ये और कितना फटाफट से आपकी कढ़ाई जो है वो क्लीन होती है। कढ़ाई को साफ करने के लिए ये जो स्टील का स्क्रबर रहता है वो लेंगे और किसी भी चिमटे की हेल्प से इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे और ये सोल्यूशन को इसी तरह से आपको चारों तरफ लगाते जाना है। आप थोड़ी देर बाद इफेक्ट देखिएगा कितनी अच्छी से कढ़ाई जो है वो साफ हो रही है। हमारी कढ़ाई अभी गैस पे है और मैंने सिर्फ इस तरह से स्टील के स्क्रबर से इसको इस तरह से स्क्रब किया है। ये सोल्यूशन जो है वो कितना इफेक्टिव है, अभी सिर्फ मैं इसको गैस पे ही इस तरह से सोल्यूशन से स्क्रब कर रही हूँ और ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई जो है वो साफ हो गई है। इस कढ़ाई की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है क्योंकि इसको मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था तो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ थोड़े से गड्ढे हैं वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे प्लेन एरिया है वहाँ पे आप देखिए कितनी आसानी से ये सोल्यूशन जो है वो इफेक्टिव है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये पानी जो है वो हल्का सा सोल्यूशन जो है वो गर्म रहना चाहिए। और एक बार इस तरह से ऑलमोस्ट जब सारा निकल जाएगा उसके बाद हम इसको नीचे उतार के रगड़ सकते हैं। और चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि जो सॉलिड मैंने यूज़ किया था वो क्या है। तो ये बेसिकली फिटकरी है जो बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल रहता है और हम सभी के घरों में प्रेजेंट भी रहता है। तो मैंने शुरू में इतना यूज़ किया था इसका, लगभग एक चम्मच, लेकिन कढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा गंदी थी तो मैंने फिर से इसका इतना पोर्शन जो है इसमें फिर से ऐड किया था। तो वैसे ही आपको भी करना है, अगर आपकी कढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा गंदी है तो आप इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। और ये बहुत ही सस्ती मिलती है, ब्लॉक के रूप में मिलती है। मैंने इसको तोड़ के और इस तरह से रख लिया है। ये जनरली चिप्स बनाने के काम आता है या वाटर प्योरीफाई करने के काम आता है, या अगर कहीं कट भी जाता है तो वहाँ भी आप इसको थोड़ा सा पाउडर करके लगा सकते हैं तो ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि जो फिटकरी है उसका भी गुड़ जो है वो एसिडिक होता है, जैसे हमारे नींबू में सिट्रिक एसिड में या इमली का गुण रहता है, उसी तरह से फिटकरी भी इसी खटास का काम करती है। उससे हमारे ये बर्तन जो है वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो देखा ना, घर में ही रखी हुई चीज़ों से हम कितनी आसानी से अपनी चीज़ों को साफ कर सकते हैं।
ये देखिए कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट साफ हो गई है। अब मैं इसको नीचे थोड़ा सा और रगड़ लूंगी और उसको वॉश करके आपको दिखा रही हूँ कि कढ़ाई जो थी वो पहले कितनी गंदी थी और अभी ये कितनी अच्छे से साफ हो गई है। आप चाहें तो पीछे का भी पोर्शन इसी तरह से साफ कर सकते हैं, लेकिन पीछे अगर ब्लैक भी रहा तो फायदेमंद ही रहता है, क्योंकि ब्लैक जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो पीछे की कढ़ाई आप ब्लैक ही रहने दीजिए, और अगर आप साफ करना चाहें तो इसी मेथड से उसको साफ भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट साफ हो गई है। बस आपको ये सलूशन को गर्म रखना है, और जब सलूशन हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर से गैस को ऑन कर लीजिए। लगातार गैस को ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब ये ठंडा हो जाता है तभी गैस को दोबारा से ऑन कर लीजिए। चलिए मैं नीचे इसको थोड़ा सा और रगड़ के और आपको साफ करके दिखा रही हूँ। और इस तरह से नीचे उतारने के बाद मैं इसको मैनुअली भी थोड़ा सा और स्क्रब कर ले रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा हाथों से भी रगड़ दिया है, तो ये सारे पोर्शन का भी मैल जो है वो अच्छे से निकल गया है। लेकिन जैसा कि शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि कढ़ाई की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए ये सारे पोर्शन से निकालना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। मैं अभी आपको इतना ही करके दिखा रही हूँ। अब मैं इसको वॉश करने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि हमारी कढ़ाई जो है वो पहले कैसी थी और अभी ये कैसी चमक गई है। और धोने के बाद अब मैंने इसमें थोड़ा सा डिश वॉश जेल लिया है, और अब उससे मैं इस कढ़ाई को थोड़ा सा साफ कर दे रही हूँ। और अभी आपको वीडियो में दिख रहा होगा कढ़ाई जो है वो कितनी शाइनिंग हो गई है। मैं इसको धो के और फिर आपको दिखा रही हूँ, कढ़ाई जो है वो बिल्कुल अब अच्छे से साफ हो गई है। अब इसे इस तरह से पोंछ लेना है। कभी भी आप लोहे के बर्तन को साफ करिए तो इसको इस तरह से कपड़े से पोंछ के सुखा लीजिए, और फिर इसमें एक या दो ड्रॉप ऑयल ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया, तो आपको इससे थोड़ा सा कम ही लेना है। और इस तरह से टिश्यू पेपर लीजिए या कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए, और इस तरह से पूरे सरफेस पे आपको लगा देना है। तो इस तरह से ये दोबारा जो है इसमें जंग नहीं लगेगा और कढ़ाई इसी तरह से सेफ रहेगी। देखा ना आपने कितना आसान था इस तरह से लोहे की कढ़ाई को साफ करना, और वो भी मुश्किल से 10 मिनट लगता है इस तरह से साफ करने में। और आपने देखा भी था कढ़ाई जो है वो ज़्यादा गंदी थी। तो अगर आपको आज का मेरा ये आइडिया और ट्रिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।